हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में कि आपके असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरे पास बहुत बार कमेंट आए थे सर कि कट ऑफ भी बता दीजिए। तो अब आपका रिजल्ट तो वैसे भी आने ही वाला है, तो उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। जब बिल्कुल पिछले वाली जो कट ऑफ आई थी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, जिसका पोस्ट कोड 88/17 था, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह पीछे रिजल्ट आया था, उसी का यह कट ऑफ इस बार भी रहने वाला है। जो कि लगभग लगभग क्या रहा था, सेम बिल्कुल कट ऑफ क्राइटेरिया रहा था। कितना, जनरल का 40%, ओबीसी का 35%, एससी एसटी का 30% और पीएच का भी 30%। तो यहां पर क्या हुआ, यह जो आप मार्क्स देख रहे हैं कि 80.75 बैठ रहे हैं जनरल में, ओबीसी में 71.25 बैठ रहे हैं, तो यह थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर क्यों गई है 40% से ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, यह जो कट ऑफ है यह लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट की है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस कट ऑफ में बच्चे पास नहीं हो पाए थे, पूरे बच्चे पास नहीं हो पाए थे, उन्हें पूरे बच्चे मिल भी नहीं पाए थे, वेटिंग लिस्ट में जाने का भी मौका नहीं मिला था, बच्चों को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज थी वो 175 थी टोटल और जनरल की 85 वैकेंसी थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उनमें बच्चे कम सेलेक्ट हुए, जिस वजह से यह कट ऑफ बिल्कुल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया पर पहुंच गई। और ठीक इस बार भी वही होने वाला है। जो हमारे मुद्दे उखड़ के आते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो वह यही है कि ज़्यादा आपकी जनरल कट ऑफ 85 हो जाएगी, ओबीसी कट ऑफ 75 हो जाएगी, एससी की कट ऑफ 80 हो जाएगी, एसटी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, केवल 67 तक पहुँचेगी, और पीएच की जो कट ऑफ है वह तो बिल्कुल ही क्वालिफाइंग रहने वाली है इस बार, लगभग लगभग 64 से 65 के करीब ही मिलने को मिलेगी आपको। यह आप जो देख रहे हैं ना, यह भी लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। यानी कि इससे नीचे यदि 61 पे भी कोई कैंडिडेट क्वालिफाई होता तो उसके मार्क्स यहाँ पर लिखे होते, क्योंकि अब कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो था उस कैटेगरी का कितने मार्क्स से हुआ था, तो उसकी यह कट ऑफ लिखी गई है। तो उसी के साथ आने वाली अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।